हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो जो कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। जो कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करते हैं ना, शॉर्ट मूवीज या शॉर्ट फिल्म या फिर इंस्टाग्राम रील्स, वो मतलब बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियो अपलोड करूँ और जिसकी वजह से फुल स्क्रीन वीडियो आनी चाहिए और अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। HD क्वालिटी में वीडियो आपकी अपलोड होनी चाहिए, क्रॉप नहीं हो, साइड में ऊपर से नीचे से कहीं से भी क्रॉप ना हो, फुल वीडियो आनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आई बटन पर क्लिक कर दूंगा, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, एडिटिंग से लेके हर एक चीज़ तक। मैंने वीडियो पहले से शूट कर रखी है, अगर आपको शूट करना भी नहीं आता, अगर आप सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाऊं और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो क्वालिटी में बता पाऊं किस तरीके से करते हैं शूट, किस तरीके से लाइटिंग एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से हम फुल वीडियो अपलोड करते हैं, किस तरीके से म्यूज़िक ऐड ऑन करते हैं। आपको अगर सीखना है या जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस बार हम थोड़ा सा टफ बनाने वाले हैं। अगर इस वीडियो पे हमारे अच्छे खासे लाइक या सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी से रिलेटेड मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक्स, जैसे कि टैग हो गया, टाइटल्स हो गए, इन सब पे मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और कोशिश करते हैं आपको सिखाने की कि अच्छे से अच्छी वीडियो कैसे अपलोड करें। और आपको फुल स्क्रीन वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, फुल प्रोसेस के साथ में, एक नहीं दो प्रोसेस, वो भी इंस्टाग्राम रील्स पर, और एडिट भी दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूं काइनमास्टर से। तो काइनमास्टर आपके सभी के फ़ोन में होगा, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइए और काइनमास्टर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या होता है, वाटरमार्क आता है। अगर आपको पेड वर्जन चाहिए तो थोड़ा सा अमाउंट देकर आप पेड मेंबरशिप खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप काइनमास्टर का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मॉड वर्जन चाहते हैं तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मॉड वर्जन भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल अब हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको पूरा ट्यूटोरियल देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं, तो सबसे पहले ऑन करता हूं मैं काइनमास्टर। तो काइनमास्टर हमारा ऑन हो चुका है। अगर आपका डेटा ऑन है काइनमास्टर में तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बफरिंग वगैरह करने लग जाता है, तो मैं डेटा ऑफ कर देता हूं। उसके बाद में हम रेशियो चूज़ करेंगे, 16:9, 9:16, 1:1। ये होता है सिनेमाटोग्राफी, मतलब कि जो हमारी शॉर्ट मूवीज़ होती हैं इस पे बनती हैं, रील्स वगैरह सेंटर पे बनती हैं जो भी 9:16 है, और ये 1:1 ये इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज वगैरह होती है उतने में ही आता है, आप किसी भी तरह अपलोड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये 9:16 पे क्लिक करना है क्योंकि हमें HD क्वालिटी चाहिए और फुल लेंथ वीडियो चाहिए, कोई क्रॉपिंग वगैरह नहीं चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये हमारा काइनमास्टर खुल चुका है। तो हम जाएंगे मीडिया पे और फाइल इंपोर्ट करेंगे जहां पर भी आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो हम नीचे जाते हैं और देखते हैं ये हमारा डेटा यहां पर पड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये अभी इस तरीके से कुछ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे। ये देखिए आप, हमारी वीडियो उसी क्वालिटी में आ गई जिस क्वालिटी में हमने शूट की थी और उसी फ्रेम में आ गई जिस फ्रेम में हम चाहते थे। अब हम अगर किसी की फ़ोन स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको उसी तरीके से दिखेगा जैसे आपको देखना चाहते हैं, जैसे कि आप सब देखते हैं कि बिल्कुल फुल HD वीडियोस दिखती हैं, उसी तरीके से आपको फुल HD ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो अब हम इसमें वॉइस हमारी प्रॉपर है, इसमें इसकी मैं वॉइस बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, और जो ऑडियो है बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं खुद से लगाता हूँ, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम रील से खुद से म्यूज़िक उसमें लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं खुद से ही काइनमास्टर में लगा लेता हूँ पहले से ही। तो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ये प्ले हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही आपको ये ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद में मैं साइड का क्लिक कर देता हूँ और साइड में क्लिक करने के बाद में ये कट कर देता हूँ, जो फालतू का एरिया है वो कट जाएगा। और उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैं करता हूँ 30-40% के बीच में, 40% के बीच में, तो इसको मैंने कर दिया 37%। तो अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। शायद तुम मेरे बगैर खुश होगे, पर मैं आज फिर तुमको मिस करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो प्रॉपर एडिट हो चुकी है, अब हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमें इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद में शेयर पर क्लिक करना है। तो हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, फुल HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो हमको एक्सपोर्ट करना है 1080 पे, हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट।
तो दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब हम जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम में नेट ऑन हो, और उसके बाद में योर स्टोरी के जस्ट ऊपर आप देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक कर देना है। आप भी इस पर ही क्लिक करिएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्टोरी फ्रंट पे ही आ जाएगी जो भी आपने एक्सपोर्ट की होगी। तो आप ये देखिए स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने किस साइज में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये यूज़ करेंगे तो ये हमारी वीडियो क्रॉप हो जाएगी, साइड से भी और ऊपर नीचे से भी क्रॉप हो जाएगी, ये फुल स्क्रीन मोड पे नहीं आएगी। तो आप नीचे थोड़ा सा आके देखिए, पोस्ट, स्टोरी, रील्स, लाइव, ये चार ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें ना ही स्टोरी करना है, ना ही पोस्ट करना है, ना ही लाइव करना है, तो हमें जाना है रील्स पे। हम रील्स पे आ गए, अब देखिए इसका कैमरा ऑन हो जाएगा, फ्रंट या बैक जो भी आपने सेलेक्ट रखा होगा, बाय डिफॉल्ट जो भी चूज होगा वो आ जाएगा। तो हमें करना है इधर प्लस के आइकन पर क्लिक, साइड में आप देख सकते हैं, जब आप प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी जो भी आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी। तो हमें ये वीडियो चूज़ कर लेनी है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं फुल स्क्रीन पर वीडियो हमारी आ चुकी है बहुत बेहतरीन तरीके से। हमें कर देना है एडिट, जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए बफरिंग लेगा, क्योंकि आपके इंटरनेट पे स्पीड पे डिपेंड करता है कि हाँ कितना टाइम लेगा और कितनी बड़ी वीडियो है। तो देखिए एड ऑन हो चुका है, हमें कर देना है आगे, बढ़ा देना है इसको। अब आपकी फुल वीडियो दिखने लग जाएगी कि किस तरीके की है, किस क्वालिटी में है, वो आपको दिखने लग जाएगी। फिर अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा से एडिट वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो फाइनल है, तो मैं आज को आगे बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं अब हमारा आ गया टाइटल ऐड करने का टाइम, तो हम टाइटल में ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारी सैड रोमांटिक वीडियो होती है तो हम सैड रोमांटिक वीडियो ऐड कर देते हैं, इसमें हमने टाइटल ऐड कर दिया सैड रोमांटिक वीडियो, उसमें थोड़े से टैग ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं सैड लव पोएट्री, ये हमने तीन टैग्स ऐड कर दिए ताकि जिस कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि सैड वीडियो देखना पसंद करते हैं या पोएट्री देखना पसंद करते हैं या लव वीडियो देखना पसंद करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर ठीक ठाक लोगों तक पहुंच जाती है, 1000-2000 तो पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में हमें फाइनली शेयर पे क्लिक कर देना है, हमें कुछ नहीं करना, नीचे ऑल्सो शेयर टू फीड इस पर टिक रखिएगा ताकि आपकी स्टोरी अपडेट होती रहेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रखे हैं यहाँ पर लिख के आ चुका है फिनिशिंग अप, तो आपकी वीडियो भी शो होने लग जाएगी। तो आपको अभी जो वीडियो दिख रही है वो क्रॉप दिख रही है कि हाँ ये वीडियो आपकी क्रॉप है, पर ये क्रॉप नहीं है। आप रील्स पे क्लिक करिए, देखिए लेफ्ट साइड में आइकन आ रहा है, आप रील्स पे क्लिक करिए, आप देखिए फुल लेंथ वीडियो आपकी आ चुकी है, कोई भी इश्यू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल से स्टेप से आपकी पूरी वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों अभी जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको दूसरा प्रोसीजर भी बताने वाला हूँ कि आपको पूरी वीडियो किस तरीके से अपलोड करनी है। मान लीजिए एक तरीके से आप नहीं कर पाते तो दूसरे तरीके से आराम से कर पाएंगे। तो मैं बैठ जाता हूँ और आपको प्रोफाइल पर दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि आपको फुल वीडियो अपलोड हुई है या नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो फुल वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, दूसरा जो प्रोसीजर है उसके लिए हमें करना है ये रील्स पे क्लिक करना है। तो आपको रील्स दिखने लग जाएंगी, किसी की भी रील्स उठा लेनी है तो सबसे ऊपर देखिए कैमरा का आइकन आ रहा है, हमें उस पर क्लिक कर देना है। कैमरे के आइकन पर क्लिक करते ही कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर हमको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही हमारी वीडियो आ जाएगी। वीडियो को फिर वैसे ही ऐड करना है जैसे कि पहले आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करिएगा, जैसे ही ये ऐड हो जाएगी क्लिप एडेड लिख के आ चुका है, हमें आगे प्रोसेस कर देना है, फिर आपकी वीडियो दिखने लग जाएगी, फिर आपकी वीडियो दिखने लग जाएगी, फिर आपको आगे प्रोसेस कर देना है, फिर आपको टाइटल ऐड करना है, फिर टैग ऐड करना है जैसे कि हमने पहले किया, और आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में दिक्कतें बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने देखा कि वीडियो कितना आसान था और आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी वीडियो में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और अगर आपको फ्यूचर में और अच्छे से अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिर भी कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स, मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। We'll be right back.
Oh, my God.